अच्छा, पांच देशों में घूमने का प्लान चल रहा है। हाँ बाजी, अब आपसे तो हमारा दिल जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आपको बता दिया, वरना कल को तो लोग यही कहेंगे ना कि हवेली मिर्जा की और छुट्टी मनाने मिश्रा जा रहे हैं। अरे बोलेंगे तो तब ना, जब हम नहीं जा रहे हो। मतलब आप भी जा रहे हैं? और नहीं तो क्या, बस आप अपना मुंह बंद रखिएगा और जल्दी से काम निपटाइए। बाजी, आपको एक मुद्दे की बात तो बताना ही भूल गए। बोलिए। वो क्या है ना कि शांति जी ने हमें छुट्टी दे दी है और कहा है तभी वापस आना जब वो छुट्टियों से वापस आ जाएंगी। अच्छा, चलिए ठीक है, आप भी जल्दी से काम निपटा लीजिए और वापस तभी आइएगा जब हम लौट आए। जी बाजी, अब आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। लो फिर और सुन लो, अरे इतने से कपड़े धोए हैं और इतना ज्यादा साबुन खर्च कर दिया। अरे भगवान, सुबह शाम दो दो घंटा काम करवाती हो, उसके बदले में हमको मिलता क्या है, सिर्फ गालियाँ। अरे इतना काम तो किसी और के घर में करते तो 10-15 हजार रुपए उसकी जेब से निकलवा लेते, तुम निकालती हो सिर्फ कमियाँ। अरे हमारे अंदर भी कुछ गुण है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके अंदर तो गुण भरे हुए हैं महाराज। अरे हमारे भाग ऐसे ही थोड़ी फूट गए हैं। आपके अंदर सबसे बड़ा गुण तो ये है कि आप है अकल से पैदल, अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल करते नहीं हो, अब रगड़ के धो कपड़े। अरे सुनो तो भगवान, अरे हमारी बात तो सुनो। अरे सुनोगी, एक बात बताओ, तुम ये पारों को इतनी छुट्टी देती क्यों हो? एक तो वैसे ही महीने के 15 दिन उसकी इमरजेंसी रहती है, भुगतना हमको पड़ता है, तुम काहे नहीं घर का कुछ काम कर लेती? अच्छा, तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, घर का काम नहीं कर रहे हम? अरे आंगन से रसोई, रसोई से आंगन, कितना काम है हमारे सर के ऊपर। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए, सारे मोहल्ले वाले गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे हैं और एक हम है जो इस हवेली में बस उबल रहे हैं। अरे भगवान, पान की दुकान से घर चल रहा है ये क्या कम है? हमारे घर में कोई कल्प वृक्ष नहीं लगा कि हाथ बढ़ाया रुपया तोड़ लिया। अभी पिछले साल ही मथुरा घुमा के लाए कि नहीं? 78 साल के मामा जी निपट गए थे, उनकी 13वीं में जाने को तुम कह रहे हो हमको घुमाने लेकर गए थे? पिछले 14 साल से हमने अमीनाबाद की गलियों के अलावा देखा ही क्या है, तुम बड़ा ले गए हो हमको इमामबाड़े घुमाने, भूलभुलैया घुमाने। हाँ भगवान, ऐसा क्या है, और घुमा देते हैं। अब ज्यादा हमारी दिमाग की नेल मत बनाओ बस। हाँ तो शांति जी, तुम भी हर गर्मी की छुट्टी में हमारे जख्म हरे करके हमारे अंदर के आदमी को मत जगाया करो। ये हमारे भी अरमान थे कि हम भी हनीमून मनाने कश्मीर जाएं, लेकिन तुम्हारे मामा की बीड़ी ने हमारी शादी का शामियाना फूंक के हमारा सारा हनीमून का बजट बिगाड़ दिया। बस मिश्रा जी बस, पिछले 14 साल से ये हनीमून का टीका तुम हमारे मामा जी के सर पे फोड़ रहे हो। अरे जख्म तो हमारे अंदर भी भरे हुए हैं, कहो तो खोले अभी तुम्हारे भी पोल पट्टी। खोलो पोल पट्टी, हम भी तो जाने तुम्हारे दिल में क्या है। ठीक है सुनो। सुनाओ। 4 साल पहले हमारे पापा ने ऋषिकेश घूमने के लिए पैसे दिए थे, क्या किया था तुमने उन पैसों का? अपने बुआ जी के लड़के के भात में सारे पैसे खर्च करा दिए और हमको बेवकूफ बना दिया। अब हमने भी सोच लिया है, अब जब तक हम घूमने नहीं जाएंगे ना, तब तक पारो भी घर में नहीं आएगी और घर का सारा काम तुमको करना पड़ेगा। बस वो काटा। ठीक है, लेकिन भगवान एक बात सुन लो, ये घूमने का प्लान बने तो कैसे बने, सुबह शाम झाड़ू पोछे में फंसाए रखती हो। अच्छा गुस्सा छोड़ो, सुनो इस बार गर्मी की छुट्टी में ना ठंडी जगह घूमने का प्लान बनाते। मिया, बर्तनों की मालिश नहीं करनी है, ना ही प्लेट और चम्मचों को मेहंदी लगानी है, जरा तेज हाथ चलाइए ना, वैसे भी आप 10 साल से यही काम कर रहे हैं, अब तक आपको तरीके से करना नहीं आया। बेगम, अब आप हवाई जहाज के पायलट से रिक्शा चलवाएंगी तो यही तो होगा। वाह मियाँ, बहुत खूब, मतलब ये तो वही बात हो गई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अब दुकान पर जाकर सिर्फ चाय बनाने में आपको कौन सा महारत हासिल करनी पड़ती है। आमा मियाँ। और सुनिए मियाँ, आज आपको झाड़ू भी लगानी है। अच्छा, क्यों पारो नहीं? आए मेरे नूरे नजर। जी अम्मी जान। अगर बीवी की गुलामी से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी अम्मी की भी खबर ले लो। जी जी बताइए अम्मी जान, बताइए। दिन चढ़ाया है बेटा, पर अभी तक मुंह को निवाला नसीब नहीं हुआ, अब तो हवेली की दीवारें भी मुंह चढ़ाने लगी हैं। आप तो एक काम कीजिए बेटा, हवेली में 3-4 नौकर रख लीजिए, कम से कम 2 टाइम वक्त पर खाना तो नसीब होगा हमें।
या फिर आप एक काम और करिए, एक बढ़िया सी चाय बनाइए बना रही और उसमें नींद की गोली मिलाकर हमें दे दीजिए। सुबह सुबह नींद की गोली? अब सारा दिन तो हमसे भूखे पेट रहा नहीं जाएगा। आप दबाइए अपनी बीवी के पैर और करिए इनके गुलामी। हम सो जाते हैं, रात में उठेंगे तो उम्मीद है कुछ बचा खुचा खाना तो मिल ही जाएगा, नहीं तो कम से कम नमक का दलिया ही। ऑल वेला कुवत। ए बेटा जफर, कौन आया है? अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आप है वर्ल्ड कल्चर प्रमोटर प्रकाश पंछी, और अम्मी जान इनकी तारीफ ये है। मियां जी, क्या आप ही इनकी शान में घसीटे गाड़ेंगे? आप भी कुछ अपनी शान में फरमाइए। वाह, क्या बात कही आपने भाभी जी, कि हम लोग जो हैं लोगों को भी विदेश की यात्रा करवाते हैं और वहां का कल्चर यहाँ पे आके लोगों को बताते हैं, वो भी सिर्फ एक रुपए में। मियां, एक रुपए में? जी, अठन्नी आपकी अठन्नी हमारी। जफर बेटा, एक तो आपकी बेगम ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा और दूसरा ये, अरे ये तो शक्ल से ही कबूतरबाज लगता है। ऐसे लोग ट्रेन में बच्चे चोरी करके उनसे भीख मंगवाते हैं या फिर गरीबों की किडनी चोरी करने का धंधा करते हैं। अम्मी जान चुप। एक हमारा जमाना था, ऐसे लोग हवेली की दहलीज में कदम तक नहीं रखते थे और ये मुआ हवेली के अंदर आ गया। रुकिए, हम बताते हैं इसे। अरे अरे अम्मी जान रुकिए, देखिए अम्मी जान देखिए, यहाँ तो शरीफ आदमी है। देखिए, शरीफ हो या बदमाश, हमें इससे क्या। और ये मनहूस शक्ल दोबारा हमें हवेली में ना दिखाई दे, कह दे रहे हैं। देखिए मिर्जा साहब, हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। देखिए क्या है कि बिना मरे तो जन्नत भी नसीब नहीं होती, तो आप लोगों को दुबई जाने के लिए एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी भाई, वहाँ के रहन सहन खान पान के बारे में जानने के लिए, नहीं तो जा नहीं पाएंगे आप लोग। मियां, आप शादी तय कर ही लिए तो फिर सगाई करने में क्यों देरी कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब मियां ट्रेनिंग शुरू कीजिए और क्या। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अभी फुर्र होता हूँ, दूसरी डाल पे भी तो बैठने जाना है। पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग का कोर्स बना के कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है? खुदा हाफिज़। खुदा विदेश। शांति भाभी ने देख लिया तो राज खुल जाएगा। एक काम करते हैं, इन्हीं को फोन लगा के पूछते हैं कि ये है कहाँ। सुबह से आप दिखी नहीं। नमस्ते आंटी, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ। मम्मी के मोबाइल में गेम खेल रहा था और मम्मी अंदर लिस्ट बना रही हैं। लिस्ट बना रही हैं? बेटा कौन सी लिस्ट बना रही हैं आपकी मम्मी? शॉपिंग मॉल की, और क्या। अच्छा रुके आंटी, बात कराता हूँ। मम्मी, सकीना आंटी का फोन है, बात कर लीजिए। अच्छा, हाँ सकीना। नहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही फोन कर लिया, आप सुबह से दिखी नहीं ना। वैसे कौन सी लिस्ट बना रही हैं आप? अरे वही ढाके तीन पात, घर के सामान की लिस्ट, और क्या, बस उसी की शॉपिंग करने जाएंगे। हमें नहीं बताया भाभी आपने, क्या बाजार जाने की तैयारी कर रही हैं? अब सोचा इसके लिए तुमको क्या तंग करे, अब तुम्हारी तरह हम कोई विदेश थोड़ी जा रहे हैं। अरे आप भी ना भाभी, हम दोबारा इस जन्म में अमीनाबाद चले जाएं, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे मियां की जेब में नहीं है खर्चा, तो कहां करेंगे विदेश जाने की चर्चा। अब तो ऐसा लगता है भाभी, खुशियों की फुटबॉल पर मुकद्दर ने ऐसी लात मारी है कि जिंदगी के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया है। मम्मी, ये सब चाइना की तैयारी है ना? भाभी, तो चाइना की तैयारी की क्या बात कर रहे हैं? चाइना जा रही हैं क्या आप? सकीना तुम भी मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे हम दिन में सपने नहीं देखते हैं। अरे वो तो चाय पी रहे थे तो गुड्डू ने पूछ लिया कि ये कप क्या चाइना से लिए हैं। अरे वो तुम कल क्या कह रही थी कि तुम्हारे पास अगर पैसे होते तो तुम हमारे साथ चलती सेल में शॉपिंग करने। अरे कहाँ भाभी, किस्मत वाली हैं आप, कम से कम आपके पास उतने पैसे तो हैं कि राशन ले आए। हमारे पास तो उतने भी नहीं, नहीं तो हम भी आपके साथ दुकान पर चलते। अम्मी अब चलिए भी, सेल में कपड़े खत्म हो जाएंगे, फिर हमारी फिटिंग नहीं मिलेगी। लो फिर और सुन लो सकीना, तुम तो
सेल में जा रही हो? ये इनाम क्या बता रहा है? अच्छा हमें बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि किस तरफ जा रही हो? न खास बताएंगे तो पीछे पड़ जाएंगी जासूसी के लिए। अरे भाभी वो तो इनाम की स्कूल की शर्ट लेकर आए थे, उनको आई नहीं तो बदलने के लिए हजरतगंज तक जा रहे थे। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हजरतगंज बताऊंगी तो चिपक ही जाएगी। अरे कहीं नहीं, बस यही नखास तक जा रहे हैं। रिक्शा बुला लिया है ना अभी? अब राशन पानी सब घर का तो हम ही को लाना है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। पारो ने ठीक ही कहा था, विदेश जाने की तैयारी इनकी भी है। ऐसे हाथ जोड़ के नहीं, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करिए। ऐसे करिए। ओम सिंह सॉन्ग, ओम सिंह सॉन्ग, चिंग चिंग चोंग, चिंग चिंग चोंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग, स्वाहा। अच्छा स्वाहा। चलिए अब आप लोग खाइए। अरे हो तुम्हारे की, अरे हमको नहीं खाना डंडे से, अब कौन सा हमको चाइना जाना है, हम तो बस खाना खाने का तरीका सीख रहे थे। लो बिजली भी चली गई, जाओ मम्मी मोमबत्ती जला दो। अच्छा रुको ला रहे हैं। डंडी से ही खा रहे थे, खाते खाते उंगलियों में लग गया तो चाट के साफ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे खाते हैं, सिर्फ आप लोग मुझे देखिए। मिश्रा जी, चाइनीज खाने की प्रैक्टिस आज हो गई, कल हम लोग इटालियन खाने की प्रैक्टिस करेंगे। सायोनारा। तो आप लोग के सामने है लखनऊ की बिरयानी। अब दुबई में तो लखनऊ की बिरयानी मिलेगी नहीं, वहाँ मिलेगी ऊंट की बिरयानी। अरे हमने कह दिया हमें सऊदीया नहीं जाना, ऊंट की बिरयानी नहीं खाना। अम्मी जान देखिए, आप ये समझ लीजिए वहाँ पे ऊंट, वहाँ का आलू हर चीज में डालते हैं, हर सब्जी में डालते हैं, यहाँ तक तो हमने सुना है वहाँ पे चाय भी ऊंट के दूध की बनती है। तो खाना लग चुका है अब, आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड। लंदन से प्रिंस विलियम का फोन है। या ये प्रिंस विलियम भी ना। मिर्जा साहब, मतलब आपने तो कमाल कर दिया, मेरी पेट भी चमका दिया आपने। अब जनाब हम नहीं चाहते कि हमारे अजीज दोस्त ठंडी बिरयानी खाए, और वैसे भी मियां आप तो बिरयानी खाते रहते होंगे। वो तो है, अब खाना तो खत्म हो चुका है, तो आइए अब हम वहाँ की बोल चाल पे थोड़ा सा काम करें। الجزيرة الجزيرة يا كراسي مخدي كوري ما اتشيز بيرد اتشيز بيريتي बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, क्या बोला है आप लोगों ने? लग गया तीर। हम भी तो इतनी देर से आपको यही समझाने की बात कर रहे हैं, घर का चूल्हा जलाएं या घूमने जाएं? सारा दिन चाय की भट्टी में हम जलते हैं तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। यार मिर्जा सही कह रहे हो, ऐसा लगता है जैसे हम पान की दुकान बंद करने के बाद शाम को सोने के बिस्कुट सप्लाई करते हैं। अरे हमारे पास भी तो कमाई का वही जरिया है ना, पान की दुकान। अरे हम तो वो लोग हैं कि बचपन के बाद सीधे बुढ़ापे में कदम रखते हैं, बहुत बुरे फंसे हैं, 6 महीने से 11,000 रुपए बिजली का बिल है, पता नहीं कब झटका लग जाए। अरे बच्चे तो समझ जाएंगे लेकिन वो शांति नहीं समझेंगी, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, करें तो क्या करें।
मियाँ एक काम करते हैं, किसी बैंक से लोन ले लेते हैं, देखिए किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अरे यार बकवास मत करो, यहाँ चाय बनाने के लिए कोई चीनी तो उधार देता नहीं, तुम बैंक से लोन लेने चले हो। सुनो गिरवी क्या रखोगे, हवेली के कागज भी तो अपने नाम से नहीं है। तब तुम यहाँ एक ही रास्ता है, फॉर्मूला नंबर 007 यानी मिशन इम्पॉसिबल। मतलब हम अपनी पर आ जाएं, चाणक्य नीति छोड़कर परशुराम की तरह सख्त हो जाएं। मियां हम भी मुगले आजम हैं, हमारी बात पत्थर की लकीर है, हमें साफ मना कर देंगे, नो मींस नो। अरे हम भी आज शांति से कह देंगे, हम असली मर्द हैं, अब इस घर में हमारा हुक्म चलेगा। बस आपने कुछ डिसाइड किया कि नहीं? क्या है ना, हमारे दूर के भाईजान का फोन आया था, वो आज अपने लिए शोरमा मंगवाने के लिए कह रहे थे। मियां आज हमारा भी बड़ा मन कर रहा है शोरमा खाने का। अच्छा बेगम, आपने मन बना ही लिया है तो मंगा लेते हैं। मिश्रा जी, महाराज आपको क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? अरे वो भैया ने इडली वाला खाना मंगाने के लिए कहा था ना, तो हमने मंगा लिया है, इसी बहाने हम भी चख लेंगे जरा सा। क्यों नहीं भाग्यवान, अब जब तुमने सोच ही लिया तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आओ। चलो मियां आप भी बड़े आए थे चाणक्य नीति वाले जोरू के गुलाम। मुगले आजम की औलाद, नौकर बीवी का। या, अब तो ये फॉर्मूला नंबर 007 जेम्स वन फ्लॉप हो गया, अब क्या करें? यार मिर्जा फ्लॉप तो हो गया है। मिर्जा अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। आप लोगों ने मेरे नाजुक नाजुक पंखों को ऐसे नोचा जैसे पागल कुत्ता हड्डी नोचता है, मेरी आंखों के सामने मौत नाच रही थी और आप कहते हैं कि मैं भूल जाऊं? अब कुछ नहीं हो सकता। भैया जी एक मिनट, भैया जी सुनते लीजिए। अरे एक मिनट भैया जी ऐसा मत कहिए, मती मारी गई थी हमारी। भैया जी रिश्ते में तो हम आपके बाबा बाप नहीं, जी जाए जी लगते हैं। नाम है रमेश प्रसाद मिश्रा, आदमी समझ के माफ कर दीजिए। माफी दे दें आपको? हाँ मियाँ, देखिए आप तो जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, अब हो गया गुस्से में थोड़ा। चलिए ना। आज समझ में आ रहा है आपको? कल तो पागल सांड की तरह मुझे उठा उठा के पटक रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी ये बुद्धि? विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने सही कहा है, पड़ोस अच्छा तो सब अच्छा। जिस दिन आप हमारी दुकान आए थे हैं? उसी दिन मिर्जा कह रहा था। क्या कह रहा था? यही कि बहुत चलता हुआ पुर्जा लग रहा है, एक नंबर का धोखेबाज, कमजर्फ, जलील और न जाने क्या क्या। और कुछ रह गया? लिस्ट बहुत लंबी है। कह रहा था देखने में शक्ल से किसी जहर खुरानी गिरोह का सरगना लगता है, घर आए तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, एक बार घर में घुस गया तो पूरा घर साफ कर देगा, साधु के भेष में रावण है रावण। न जाने हमारे दिमाग को क्या हो गया था। दिमाग फिर गया था हमारा मियाँ, हम बहक गए थे। बहक गए थे? इस उम्र में आपको कौन बहका सकता है? वही कमजोर मिश्रा और कौन, दीवार से दीवार मिली है हमारी, अब इंसान घर तो बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। कह रहा था कि मौका मिलते ही इस पंछी के फर्क उतर देना, क्योंकि जिस डाल पर ये बैठता है सबसे पहले उसी डाल को खचाक काट देता है। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। चलिए ना। मेरा नाम है प्रकाश पंछी, एक बार जिस डाल से उड़ जाता हूँ दोबारा उस पे नहीं बैठता मैं। बैठना पड़ेगा मियाँ, क्योंकि आपके भांजा भांजी कल रात से भूखे हैं, कह रहे थे कि अपने कबूतर माँ पंछी मामू जान के साथ ही बैठ के अब पहला निवाला खाएंगे। हाथ छोड़िए आप, अम्मी जान और बच्चों की खातिर इस बार मैं आपको माफ करूं।
आपकी आवाज दोबारा ऊंची नहीं होनी चाहिए। थैंक यू भैया जी। एक बार वर्ल्ड टूर हो जाए फिर हमेशा के लिए तेरी बोलती बंद कर दूंगा। क्यों मिया, मन भर गया एक ही बाजी में हार के? जीजा जी, कभी कभी अपने से हारने में भी मजा आता है। बाजी, खाना और खेल तो हो गया, अब हम फुर होते हैं। अरे भाईजान, हम लोग विदेश कब जाएंगे? बहुत जल्द। जीजा जी, पासपोर्ट ले आइए और साथ में फोटो भी। बाजी, 2 दिन में वीजा तैयार, फिर आप लोग ये जा तो। पासपोर्ट तो रेडी है ना? पासपोर्ट तो किसी का नहीं बना है। बताइए फिर कैसे बनेगा पासपोर्ट? लखनऊ में रिक्शे वालों के पास तक पासपोर्ट। अबे यार। और एक आप हैं। भैया जी, ये तो है बैल बुद्धि। अरे इनको जो काम करना होगा वो तो करेंगे नहीं। आप ये बताइए कि अगर अब बनवाना पड़ा तो कितना समय लगेगा? बाजी मान के चलिए 1-2 महीना। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीजा जी कौन से जमाने में जी रहे हैं, अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया इन्होंने। मियां, ये क्या गजब है। मतलब हमारे भाईजान ने सारा इंतजाम कर लिया और आप है कि पासपोर्ट नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। फूटी किस्मत है हमारी, हमारे नसीब में तो खुशियां ही नहीं है। अम्मा मियां, कोई और तरीका तो होगा ना जाने का? तरीके तो बस 2 ही हैं दीदी, एक तत्काल सेवा और एक है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है कि 1-2 महीने लग जाते हैं भाई, तब तक तो बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। और तत्काल सेवा में? तत्काल सेवा में क्या है कि 4-5 दिन में पासपोर्ट बन के आ जाता है, लेकिन उसके लिए पहुंच बहुत ऊंची होनी चाहिए, आपकी जान पहचान किसी सरकारी अफसर से होनी चाहिए। अब हमारी पान की दुकान पे कोई सरकारी अफसर तो पान खाने आएगा नहीं। पान खाने नहीं, कम से कम चाय तो पीने आता होगा। अरे जीजा जी, कोई तो आदमी होगा इस मोहल्ले में जो यहाँ का काम करता होगा। अरे कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता। अरे जीजा जी, कोई तो मोहल्ले में ऐसा जिम्मेदार नेता होगा जो मोहल्ले में पानी की व्यवस्था करता होगा, खंबे वंबे गड़वाता होगा। अरे कोई तो होगा आपका अपना। बिट्टू कपूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजी मिश्रा जी घर पे हैंगे? कौन? कौन से मिश्रा जी चाहिए आपको? है जी, कितनी वैरायटी के मिश्रा जी अवेलेबल हैंगे? मुंह संभाल के बात करो जरा। अरे आदमी है कोई, आम थोड़ी है जो वैरायटी की बात कर रहे हो। और वैसे तुम हो कौन? तुमको तो हमने पहली बार देखा है। अच्छा, कहीं तुम वो विधवा आश्रम की तरफ से चंदा तो नहीं मांगने आए हो? ओए मोहतरमा, असी पासपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैंगे, पासपोर्ट वेरीफाई करने आए हैंगे। पर जे तुसी कहो तो वापस चले जाएंगे सन्नू की। जनाब सुनिए। अरे वापस जाएं आपके दुश्मन, आपका ही तो इंतजार था। ओ जी, पासपोर्ट फॉर्म पे तो एक ही कुड़ी का नाम लिखवाया सी, तुम्हारे अब्बा जफर अली ने, तुम्हारा नाम तो लिखवाया नहीं सी। अब्बा? अरे नहीं नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं, हम उनकी बेटी नहीं है, हम उनकी बेगम है सकीना। है जी? हाँ जी। चंगा सी, फोटो से साफ पता चल रहा है कि शांति मिश्रा वाइफ ऑफ रमेश प्रसाद मिश्रा। ओके, बच्चों में गुड्डू आदि पूजा है जी? हाँ हाँ, गुड्डू तो यही है, आदि और पूजा जरा ट्यूशन पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे 2 घंटे में। चंगा सी चंगा सी। तो ये 2 फिजूल के लोग कौन बैठा रखे हैंगे? उधार मांगने वाले तो नहीं हैंगे? सही कह रहे हैं आप, ये तो हमारी दुकान पर उधार की चाय पीने आते हैं, बस वही वापस करने आए हैं। खैर वो सब छोड़िए, समोसे खाइए आप जनाब। जरूर जरूर। जी खाने से याद आया है, आप लोग बाहर देश जाने वाले हैंगे, तो बाहर देश के खाने की कुछ प्रैक्टिस करी हैगी कि देश का नाम डुबा दोगे? जी प्रैक्टिस तो बहुत करी है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये सब आता रहता है, ट्रेनिंग की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो किस देश की ट्रेनिंग करी हैगी? सरदार जी, नाम पता सब नोट कर लीनो, वेरिफिकेशन हुईगा तुम्हारा, अब ट्रेनिंग से तुमका का लेना देना यार। और जी देखो, साड़ी आदत नहीं हैगी उधारी वालों के मुंह लगने की, तो तुसी भी साड़े मुंह ना लगो तो अच्छा हैगा। हाँ जी दसो, प्रैक्टिस की हैगी? हाँ हाँ प्रैक्टिस की है ना हमने। बेटा गुड्डू जरा बताओ इनको, बर्गर पिज्जा मंचूरियन पास्ता। चंगा सी, बल्ले बल्ले। लैंग्वेज वगैरह भी सीखी हैगी की? हाँ भाईजान, हमने बहुत सारी जुबानें सीखी हैं,
बताएं आपको? जरूर जरूर। अल जजीरा, अल कुरेशी मखदूम। सत श्री अकाल जी। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? कहा था ना हमें नहीं जाना विदेश के सैर पर, समझ नहीं आता? लाहौल विला कुवत। ये तो अम्मी जान नामाकुल बेहया। याला जी, लो जी ये हो गई वेरिफिकेशन, तुसी यहां सिग्नेचर कर दो अपने। जी बधाई हो, अब जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका पासपोर्ट बन जावे। बन ही जावेगा लेकिन समझ गए, भागा दौड़ी करेगा, पेट्रोल की जरूरत पड़ी। सत्याकाल जरा सुनिए। हाँ जी। ये तो बता दीजिए हमारा पासपोर्ट कब तक आएगा? देखो ये इंक्वायरी कर ली ने, 3-4 दिन में पासपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा सी, घर विच पासपोर्ट बनाने की मशीन लगा रखी है जी, कागज डालेंगे और पासपोर्ट बाहर है जी। अरे गजब बात कर रहे हैं सरदार जी, ऐसे कहीं पासपोर्ट बनता है क्या? वही तो असी भी कह रहे हैंगे, सरकारी काम हैगा, समय लगता हैगा, असी करा देवेंगा लेकिन वो समझ गए बागा दौड़ी करनी पड़ेगी आपको। एसडी की गल हैगी नहीं तभी। तुसी तो बुरा मान गए हैं, रख लेते हैंगे, कोशिश करूंगा कि पासपोर्ट जल्दी बन जाए। चलते आएंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल परजाई जी। यार मिर्जा, वो कहते हैं ना कि बड़ी कड़ाई की खुरचनी काफी होती है। हमने अभी फोन करना शुरू भी नहीं किया और पासपोर्ट ऑफिस वाले दौड़े दौड़े चले आए। मियां हमने तो सिर्फ SMS पर बात की थी। अच्छा। और काम हो गया? अब देखिए बिट्टू मियां के भरोसे तो रह नहीं सकते ना। क्यों पंची, कैसा लगा मेरा राजनीतिक स्टाइल? जोर का झटका धीरे से नहीं दिया और पता भी नहीं चला। अरे भैया बहुत सही निवाला फेंका इन दोनों छुछुंदरों को बिल से निकालने के लिए। अब इन दोनों के दिमाग में पासपोर्ट की हवा गूंज रही होगी और ये दोनों छुछुंदर झूम रहे होंगे। अनिल कपूर भाई साहब ऐसे थोड़ी अपना चेला हमको बनाए थे, कुछ तो कला दिखवे भाई। 10 साल रहे मुंबई में, बड़े बड़न की खटिया खड़ी कर दिया, फिर ये मिश्रा मिर्जा कौन खेत की मूली है बे। बिट्टू भैया कहीं ये राज दोनों के सामने खुल गया तो? अबे ये राज केवल हमें और तुम्हें पता है, अगर तुम अपनी चोंच खोल दी ना तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल के तोंदी के अगल बगल लगा दे, पूरी जिंदगी एक मंजिल कम दिखाई पड़ी। कैसी बात कर रहे हो सरदार, मैंने आपका नमक मीठा दोनों खाया है। तो चेला हो, चेला बन के रहो, गुरु बने कोशिश ना करो। अब देखो हमारी अगली चाल। अगली चाल? अब बिट्टू भैया बजाएंगे डुगडुगी और ये दोनों बंदर की तरह नचिए। आइए। तो कपूर दिखा दी अपनी नेतागिरी। मम्मीया आखिर इसने फिर से पीठ पे छुरा भोंक ही दिया। मिया अब क्या होगा? अरे बच्चन खुश रहो। राम बाबू। हमारे भाई बच्चन। अच्छा जीते रहे। बात एकदम ठीक कही आपने, लेकिन जीजा जी बता रहे थे कि कोई मिर्जा नाम का चमगादड़ जैसी शक्ल वाला इंसान है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अमा मिया चमगादड़ किसे कहा आपने? अरे मिर्जा को, वो हमारे जीजा जी ने कहा था कि बहुत ही लिच्चड़ किस्म का इंसान है। देखिए वैसे दीदी इनको क्यों इतनी मिर्ची लग रही? अरे क्योंकि यही तो है वो चमगादड़। हमारा मतलब है मिर्जा भाईजान है। हाँ तो ठीक है, ये मिर्जा है तो हम कौन सा डरते हैं इनसे है? और वैसे भी हमारे जीजा जी ने बिल्कुल सच ही कहा था। क्या चमगादड़ वाली बात? अरे नहीं, फिर? हवेली में आपकी वजह से लकीर खींची गई है। हमारी वजह से? ना तो आप कब्जा करके बैठते और ना ही लकीर खींची जाती। मामिया लकीर के फकीर, बल्कि कब्जा हमने नहीं आपके जीजा जी ने किया हुआ है। अरे लेकिन कब्जा हम क्यों करेंगे, हवेली तो पहले से ही हमारी है। देखिए शांति भाभी, अगर हवेली आपकी है तो अब तक ले लेनी चाहिए थी।
दीदी आप चुप रहिए, साइड हटिए, हम बतियाते हैं इनसे। आप बोलिए। हाँ तो पहले नहीं थी ना, अब ले लेंगे, क्योंकि हमारे जीजा जी बहुत सीधे हैं, लेकिन हम बहुत टेढ़े हैं, और अब हम आ गए हैं। मियाँ हम तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुगलिया सल्तनत के इकलौते वारिस होंगे। शक्ल से ही आप उल्लू लगते हैं। उल्लू? हाँ, आपको क्या लगता है कि आप अपनी जेब छटकेंगे और हवेली खरीद लेंगे? क्या हुआ? अमा हमें खरीदने की जरूरत क्या है, वो तो पहले से ही हमारी है। आपकी है? तो ले लीजिए। तो ले लेंगे, लेके देखेंगे। अरे तो ले लेंगे। कब लेंगे? जब मन करेगा तब ले। मन कब करेगा? कभी भी कर सकता है। कभी भी क्यों, अभी भी कीजिए ना, मन लीजिए लीजिए, बोलिए। अरे तो ले लेंगे। चिल्लाइए। हाँ तो आप भी मत चिल्लाइए। देखिए हवेली लेके दिखाइए आप। हाँ तो लेके दिखा देंगे हम। दिखाइए ना। दिखा देंगे। अरे दिखाइए ना। क्या आप लोग उस हवेली के लिए लड़ रहे हैं जिस हवेली में अभी हम हैं ही नहीं? अम्मी जान अभी नहीं है, लेकिन कल तो जाएंगे ना। अरे मिर्जा भाई जान, तब तक तो शांति बनाए रखिए। देखिए शांति भाभी, आपके इन भाई जान को देख के लगता है तब तक शांति बनेगी नहीं। अरे तो आपके साथ रहना कौन चाहता है? दीदी कलर है घर में? कलर? हाँ लकीर खींचनी है। ए भगवान, इस घर में भी लकीर? अरे तो इनके साथ इसी तरह से रहा जा सकता है। लकीर खींचे, खींचिए लकीर, हमें भी कौन सा आपके साथ बैठ के लूडो खेलना है। खींचिए लकीर। मिया जी बेगम कहिए। लीजिए मिया। सकीना। प्रेम पत्र पढ़िए तो। तेरह जोड़ी सलवार सूट, 11 जोड़ी कान के झुमके, 3 दर्जन नेल पॉलिश, 2 दर्जन लिपस्टिक, 4 जोड़ी सैंडल। अम्मा बेगम, जब हम काम कर रहे हैं तो आपको ये दुकान खोलने की क्या जरूरत है? मियां ये दुकान खोलने की लिस्ट नहीं है, ये तो ईद की शॉपिंग लिस्ट है। जब चांद रात पर जाएंगे ना आपके साथ खरीदारी करने, तुम सारा सामान लेकर आएंगे। बेगम ये आपकी शॉपिंग की लिस्ट है इतनी लंबी? जी मियां, अब देखिए ना हमारे मियाँ ऐसे हैं तो सजना सवरना तो पड़ता ही है ना। हाँ बेगम वो तो है। देखिए बेगम, देखिए लिस्ट ठीक है लेकिन हम जो मियाँ आप अपनी जान निसार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जान निसार के लिए तो कर सकते हैं बेगम, लेकिन जान निसार मिले तब ना। मजाक कर रहे थे बेगम। अमा अब हम आपके लिए नहीं लाएंगे तो किसके लिए लेके आएंगे? मियाँ आप भी ना बड़े नॉटी हैं। नॉटी? सोची? सोची? जफर? जफर? अपनी बीवी की फरमाइशें तो आपने बड़े प्यार से सुन ली, कभी अपनी अम्मी की जरूरतें भी पूछ लिया कीजिए। हाँ अम्मी जान फरमाइए। अब आपकी बीवी की जरूरतें तो पूरी जिंदगी पूरी होने वाली नहीं, लेकिन वाकई घर के बाहर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए ज़कात निकालना ना भूलिएगा। ईद पर मजलूमों का भी हक होता है बेटा। जी अम्मी जान बिल्कुल। जफर बेटा जी, ये नौटी क्या होता है? नौटी मतलब रहमदिल। रहमदिल होता है। अच्छा अच्छा, तब तो आपके अब्बा भी बड़े नौटी थे। या अल्लाह। मियाँ हमने तो उनसे इस दीवार पर छेद करने के लिए कहा था, पर गलती से उन्होंने उस दीवार पर छेद कर दिया। अब हमें थोड़ी ना पता था कि दीवार के उस तरफ आपके पर बाबा जी के टंगे हुए हैं। टंगे हुए मत बोलिए, समझी थे वो हमारे। बड़ी श्रद्धा से हमने उनको दीवार में लगाया था। बताइए अब जो हो गया सो हो गया मास्टर जी, माफ कर दीजिए हमारी बहू सकीना को। आप जैसे नौटी इंसान के घर वाले अगर माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या बोल रही हैं आप? अम्मी जान को और बताइए आप नौटी का गलत मतलब। बेगम हमने तो बचने के लिए बोल दिया था कि नौटी का मतलब रहमदिल होता है, हमें इस बात का इल्म थोड़ी था कि अम्मी जान सबके सामने यह बोल देंगी। लेकिन चाची आप कैसे कह सकती हैं कि बाबूजी नौटी हैं? हम एक बार शक्ल देख के इंसान पहचान लेते हैं बेटा,
हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। अरे आज ही देखो, मास्टर जी कबूतरों को दाना खिला रहे थे और कल अपने हाथों से गाय को रोटी खिला रहे थे। अरे और तो और, एक दिन तो इन्होंने अंधी औरत को अपना हाथ पकड़ के सड़क पार करवाई थी। हाँ तो इसका मतलब आप नॉटी इंसान हुए ना? हमें लगता है मास्टर जी आपको नॉटी का मतलब नहीं पता। नॉटी का मतलब होता है रहम दिल। अरे चाची, नॉटी का मतलब रहम दिल नहीं होता। तो और क्या होता है? नॉटी का मतलब होता है शरारती। शरारती? अरे नहीं, हमारे जफर ने नॉटी का मतलब बताया है रहम दिल। अरे तो इन जैसों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बेवकूफ कहीं के। अरे बेवकूफ बनाया चाची आपको, जैसे हमें बना रहे हैं। जफर जी, नॉटी का मतलब रहम दिल ही होता है ना? अम्मी जान सुनिए तो। मिर्जा, पहले तो तुम ये बताओ कि हमारे पर बाबा जी की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हो? देखिए मैं, बात दरअसल ये है कि आपके पर बाबा जी का पूरा चेहरा बिगड़ चुका है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। काम करते हैं मियां, किसी के जिंदा पर बाबा जी की अच्छी सी तस्वीर खींच के ले आते हैं और टांग देते हैं। किसी को क्या पता कि आपके पर बाबा जी हैं या नहीं। मिर्जा, फालतू बकवास हमें कतई ही पसंद नहीं है। हमें तो हमारे पर बाबा जी की ऐसी तस्वीर चाहिए। तो ठीक है मियां, जाइए जन्नत जाइए और अपने पर बाबा जी की अच्छी सी तस्वीर खींच के ले आइए। मिर्जा, तुमने सिर्फ हमारे पर बाबा जी की आंख में छेद नहीं किया है, बल्कि हमारी छाती पर रोड रोलर चलाया है। इसलिए हम बच्चन त्रिवेदी, सन ऑफ लल्लन त्रिवेदी, अपने जीजा जी की अनुपस्थिति में ये प्रण लेते हैं कि ईद से पहले पहले तुम्हें उस हवेली से बाहर निकाल फेंकेंगे। अच्छा, अमा मियां हवेली तो छोड़िए, पहले आप हमें इस टेम्परेरी घर से बाहर निकाल के दिखाइए। और जो अगर हमने तुम्हें यहाँ से निकाल फेंका तो मियां हम हवेली छोड़ देंगे, और अगर हमने आपको इस घर से बाहर निकाल फेंका तो हवेली आपकी और हम चले जाएंगे अपने गांव। ए भैया, अरे हवेली हमारी है, कुछ हमसे भी पूछोगे? दीदी आप चुप रहिए, क्योंकि यहाँ इज्जत का सवाल है। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, अब हम इनको दोनों जगह से निकाल कर फेंकेंगे, क्योंकि इलाहाबाद के दोनों बच्चों ऐसे ही फेमस नहीं है। आए तो ठीक है मियां, मंजूर है। हमने भी ईद से पहले आपको इस घर से डर बदर करके चश्मा बनाया ना, तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं तो बदल लिया जाए। क्या नाम? क्यों? क्योंकि हवेली तो अब खाली होकर रहेगी। जरूर होगी मियां खाली, और बाहर जाएंगे आप देखेंगे। देख लीजिएगा, ये हम हैं। अगर हमारे नवाबी खानदान का कोई और होता तो आपको ऐसा सबक सिखाता कि अब जिंदगी भर याद रखते जफर मियां। कितनी शर्मिंदगी हुई हमें जब हमें ये पता चला कि नॉटी का मतलब रहम दिल ही नहीं, कुछ और होता है। देखिए अम्मी जान, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन आप सुनिए तो। अब मानने से क्या होता है, अब तक तो हम न जाने किस किस को नॉटी कह चुके हैं। किस किस को? नालायक कमजोर, हमसे पूछता है किस किस को? अरे दूध वाले को, सब्जी वाले को, ना जाने किस किस को। मिजान, आपने इन सबको नोटी कह दिया? तो क्या, अरे वो सब्जी वाला तो हमें आज पाव भर बैगन भी फ्री में देके गया। हमने तो उसे नोटी ये समझकर कहा था कि वो हमें वाजिब दामों पर सब्जियां देता है। याल्ला। अम्मी, वो जो सुबह सब्जी वाले नहीं आए थे वो आज फिर आए हैं, और वो दादी जान को बुला रहे हैं। याल्ला, हम नहीं जाएंगे कहीं। लाहौल विल्ला कुवत। अबे कहाँ कहीं रहो, भाई भाई निकल गए? अरे लड़ते लड़ते पता चला कि भाई भाई हैं। अबे ये तो अनिल कपूर भाई साहब की किशन कन्हैया फिर से रिलीज हुई गई। यार पप्पू, हमका लग रहा हवेली में माल बनाए के सपना की छीछा लेदर हुई गई। आपके प्लान के चक्कर में हम यहाँ सबके साथ चले आए। हमको लगा था कि हवेली खाली हो जाएगी, अपना बढ़िया माल बन जाएगा, लेकिन अब हमको लगता नहीं कि आपसे कुछ हो पाएगा। अब माल बनाने के लिए ना आपको लेना पड़ेगा दूसरा जन्म। अबे जरूरी अगले जन्म में हम फिर से इंसान बन के पैदा हो जाए।
हुई सका तो चीन में चमगादड़ बन के पैदा हुई जाए, तब का हुई? अगले जन्म में सांप बन के पैदा होना और हवेली के अंदर कुंडली मार के बैठ जाना, बस हवेली खाली हो जाएगी। बहुत बड़े सीनियर नेता बने फिरते हैं, हमसे कह रहे थे कि नहीं चलो हवेली खाली करा देंगे। पार्टी ने हमको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, और आपके चक्कर में विधायक बनने का सपना हमारा पूरा हो नहीं पाएगा। अबे देखो पप्पू, माल तो वही हवेली में बनी और वही माल से चालू हुई हमारा राजनीतिक कैरियर। अभी उसके बाद मंत्री और कैबिनेट मंत्री कैसे बनी थे ना, अपनी आँखी से दिखियो। चच्चू फर्जी भोकालना पहले बता दे रहे। अबे बेटा थोड़ा शांति रखो, सब होई। चलो ठीक है फिर, खाम खाई। बेगम हम चलते हैं। मिया सुनिए जी, शाम को जल्दी घर लौट आइएगा, ईद की खरीदारी करने भी तो चलना है ना। बेगम देखिए आप बुरा मत मानिए, लेकिन इस बच्चन की वजह से हमारा मूड थोड़ा नासाज है। आप एक काम कीजिए, आप खुद खरीदारी कर लीजिए। मियां खरीदारी तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन शॉपिंग बैग उठाने के लिए साथ में कोई ना कोई चाहिए ना। हाँ बेगम, आपने हमें कुली समझ रखा है। ये क्या कह रहे हैं आप मियां? अल्लाह तौबा, आप हमारे प्यारे से शौहर हैं, हम भला आपको कुली कैसे समझ सकते हैं? बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि शॉपिंग बैग उठाने से हमारे नाजुक से हाथों पर जो निशान पड़ जाएंगे वो आपको अच्छे लगेंगे क्या? ना ना। अब आपको काम कोई बुरा लगे वो हम कर सकते हैं। अम्मा बेगम, आपकी इन्हीं अदाओं का तो हम फिदा है। ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे और ईद को शानदार बनाएंगे। लेकिन बेगम आप बस ये सोचने की जहमत उठाइए कि इस मिश्रा फैमिली को जल्द से जल्द हवेली से दर बदर कैसे करें। आखिरकार हमने कसम खाई है बेगम। मियां ये दिमाग चलाने जैसे मेहनत वाले काम हमसे तो होते नहीं है, ये आपको ही मुबारक हो। वैसे भी हम तो नेल पॉलिश लगा लगा कर सुबह से थक गए हैं। थक तो हम भी गए हैं, फिर भी हम आपकी मदद कर रहे हैं ना दीदी, तो आप हमारी मदद क्यों नहीं कर सकती मिर्जा को भगाने में? अरे तो हम कर तो रहे मदद, हमने तो पारो तक से कह दिया कि उनके घर काम ना करे। तो मान गई? अरे कहा, कहने लगी हमको सोचने के लिए अभी वक्त चाहिए। दीदी हमको तो लगता है ना ये पारो सोचने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। खैर हम कुछ करते हैं, इनकी जिंदगी इतनी नरक बना देनी है ना दीदी कि खुद बखुद हवेली छोड़कर भाग जाए। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है हमारे पास, आओ। हाँ ठीक है। ऐसा हल्दी का रंग लगाएंगे इनके कपड़ों में कि धोते धोते हाथ थक जाएंगे, फिर देखना कैसे हवेली से भागते नजर आएंगे सब। भाभी आप यहाँ इतनी धूप में? हाँ, अरे वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, सनबाथ। हम सनबाथ लेने आए थे। इतनी गर्मी में सनबाथ? हाँ वो मतलब पैरों में दर्द रहता है ना हमारे, तो डॉक्टर ने कहा था कि सनबाथ लिया कीजिए। और ये क्या है? ये हल्दी। अरे वो सनबाथ के बाद पैरों में लगाना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। अच्छा अच्छा, वैसे भाभी यहाँ ना बहुत बंदर आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना, आइए बैठिए आप सनबाथ लीजिए। लेकिन आप आराम से यहाँ बैठिए ना, आराम से बैठिए और आराम से सनबाथ लीजिए, हम वहाँ खड़े होकर आपका ख्याल रखते हैं। ठीक है भाभी? और आइए हमारे कपड़ों में हल्दी लगाने, अब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सकीना हम तो रोज ही लेते हैं सनबाथ, अब तुम यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? तुम जाओ हम कर लेंगे। अरे नहीं भाभी, हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते, आप आराम से सनबाथ लीजिए, हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा सकीना हमारा हो गया। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी कहा हुआ, और ले लीजिए ना। अरे नहीं कल फिर ले लेंगे हम। अरे कल किसने लिखा है भाभी, धूप इतनी अच्छी लिखी जाए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं कल आएंगे। बढ़िया आई थी हमारे कपड़ों पर रंग डालने वाली। अबे बढ़िया, एक टिक्की खिलाओ जरा। ठीक है भैया, पहले पैसे दे दीजिए। पैसे पहले दे दीजिए? हाँ। अबे आधी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि बिट्टू कपूर अनिल कपूर भाई साहब की सगी बुआ के लड़के हैं, और जैसा तुम्हारी वो है कि लोग इंडिया से दुबई भाग गए, दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाए इंडिया आएगी,
और तुमका पहले पैसा दे दे। वो कहा है ना कि भैया लोग खाते हो निकल जाते हो, बोलते पैसा कल ले रहे, और कल कभी आता नहीं। अबे कल भी आएगा परसों भी आएगा, अब बिट्टू कपूर यहीं पे रहेंगे। अबे तुमका तो चाहिएगी अपने ठेला में हमारी फोटो लगाओ, तुम्हारे व्यापार चौगुना हो जाइए। बुद्धि गर्म कर दियो, अब हमका नहीं खाना तुम्हारी इक्की टिक्की। नाराज ना, हम लगा देते। अब इतनी जिद कर रहे हो तो हमारी फिर एक शर्त मानने पड़ी तुमका। कौन सी? पैसा कल या परसों दे। आ गए ना वही बात पे। अबे आशिक मजनू या, अरे विट्टू भैया कैसे हो? अबे मौज चल रही है, तुम लोग यहाँ कहाँ लोफड़ी करते घूम रहे हो? भैया दरअसल इसे एक लड़की पसंद आ गई है। अरे बिल्कुल हीरोइन है, हीरोइन। वो शादी की बात कर रहे, उसके घर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दिया है। बेटुच्चो तुम लोगों के पैर पूजे जाइए कि ना पूजे जाइए ये हमका नहीं पता, लेकिन खोपड़ी सर्तियाँ पूजी जाई। एक खुशखबरी है, बच्चन का पूरा पैसा लेके इलाहाबाद का एक सुनार भाग गया। क्या? तो बहुत बुरा हुआ। अबे तुम लोगन का जनाई पड़ रहा, बहुत खल गई। अरे बिट्टू भैया उसकी टमाटर वाली स्कीम 500 रूपए पार्टनरशिप पे लगाए थे। मैंने भी। तेरी पत्ते चाट की, हमेशा चिंदी चोरी की सोचियो। अबे कुछ बड़ा सोचो। बड़ा और का? अब देखो बच्चन के लूटे के बाद शांति भाभी का परिवार ईद तो मना ना पाई, और जो ईद ना मनाई वो इका हवेली खाली करे पड़ी। अरे तो हमको कौन सा हवेली मिल जाएगी? अबे बंदर, हवेली नहीं तो दुकान तो मिल जाएगी। दुकान? कैसे बिट्टू भैया? अबे जब मिश्रा जी का दुकान छोड़नी पड़ेगी तो वे हाफ माइंड हुई जाएंगे, फिर वे सड़क में घूमेंगे। तुम लोगों का तो पता है कि भाभी के खर्चा अनाप शनाप है, वो पूरे नहीं होंगे, टेंशन में हो जाएंगे, दुकान में बैठेंगे नहीं, दुकानदारी कम हो जाएगी, ग्राहक आना बंद हो जाएंगे, फिर उनको दुकान बेचनी पड़ेगी। और तुम लोग हमसे पैसा लेके दुकान खरीद लेना, दुकान मालिक हो जाओगे बे। अरे बिट्टू भैया कितना आगे की सोच लेते हैं आप, मतलब चोरी के पैसा लेके भाग जाने में हमारा फायदा ही फायदा है। क्या पैसे लेकर भाग गया? अरे बच्चन तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पैसे बैंक में रखो बैंक में रखो, लेकिन तुम हो कि हमारी सुनते ही नहीं हो। अरे तुम्हारा दिमाग है कि दही वड़ा? अब बताओ जरा कैसे मनाएंगे हम लोग ईद? हमको पहले ही शक था तुम गए हो ना कुछ बवाल तो जरूर करोगे। अरे मामा बैंक में सब्जी नहीं उगाते, बैंक में पैसे रखे जाते हैं। बच्चन मियाँ अब आप यहाँ से और हवेली से दोनों जगह से बाहर। मिया शानदार तो भूल जाइए, आपकी तो बस ईद ही मन जाए वही काफी है। बच्चन घर पे किसी को नहीं बताना समझे कि हमारा पैसा लेके संपत भाग गया, अगर मिर्जा को पता चला तो बहुत मजाक उड़ाएगा। हाँ जब तक पुलिस वाले संपत को ढूंढ नहीं लेते तब तक ये बात छुपा के रखनी पड़ेगी, लेकिन ईद कैसे मनाएंगे? कुछ पता चला? किसका? अबे तुम्हारे वही नए प्रेमी जो बने हैं बच्चन, उनका। क्यों मियाँ उनकी कोई स्पेशल न्यूज है क्या? स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है, तुम्हारे बच्चन बाबू सुहा। क्या सुहा हो गए? मम्मिया लेकिन ऐसे कैसे जल गए? अबे मिर्जा पूरी बात तो सुना करो, सुनते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को और फिर कहते हो अम्मी जान डर लग रहा। अबे जलने वाले सुहा नहीं भाई, फिर इलाहाबाद का एक सुनार उनके रुपया लेके फुर रोई गवा। क्या उनके सारे पैसे लेके ज्वेलर भाग गया? अबे अब तो ईद मना ना पाइए, अब तो उनका बाहर निकालने का रास्ता भी आसान होगा। हाँ मियाँ लेकिन ये सब हुआ कैसे? अबे कोई ज्यादा ब्याज का लालच दीस हुई है और लालच में फंस गए, वही मासा हुईगा। अच्छा अब देखते हैं हम कि मिश्रा फैमिली हमसे ज्यादा शानदार ईद कैसे मनाती है। अब उनका इस घर से बाहर जाना तो तय है, और अगर इस घर से बाहर गए तो हवेली से भी बाहर। जुम्मन मियां
हाँ जुम्मन चाचा। बेटा ये ईद के कपड़े दिवाली पर क्यों? अरे भाई ईद की छोड़ो, दिवाली पर भी इसकी उम्मीद नहीं है। क्यों, कपड़े खराब हो जाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हम कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं कि हमारी गारंटी नहीं है। क्या चाचा, यही बोल बोल के ना आपने कई बरस गुजार लिए हैं। थोड़ा रुक जाइए, अगले महीने तक पैसे दे देंगे। अगले महीने? क्यों, इतना तो रुकेंगे ना? बेटा रुकना ही पड़ेगा, 2000 के लिए तो हम मौत से भी संघर्ष कर लेंगे। तो ज्यादा ही नहीं। बेगम आप जरा चलिए हम आते हैं। क्या बात है बच्चन मिया, अम्मा आप यहाँ बैठे शांति भाभी के साथ खरीदारी करने नहीं गए? दरअसल अच्छा अच्छा समझ गए। क्या समझ गए? आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, बड़े लोग अक्सर ऑनलाइन ही मंगाते हैं। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जरा आपसे कुछ बात करनी थी। कौनसे? सच्ची? हाँ सच्ची। अबे हाँ ना। खैर कहिए। दरअसल हमने बहुत सोचा कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो 313 की रौनक चली जाएगी ना, और वैसे भी आपके बच्चे जो है हमारी दीदी के बच्चों के दोस्त हैं, और सकीना भाभी का भी तो बहुत सपोर्ट मिलता है ना दीदी को, वो कहाँ मिल पाएगा? बात तो सही है, मिलता तो है सपोर्ट। तो भले ही आपके जाने के बाद वो हिस्सा हम किराए पर दे देंगे, लेकिन किरायेदार तो किरायेदार ही होता है ना। अब किरायेदार और आप में तो फर्क है ना। वो लड़ाई झगड़े कहाँ होंगे ना उनके साथ। अरे यार मिर्जा भाई, प्यार मोहब्बत भी तो होती है ना। अरे हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों सोचना चाहिए ना। भूल गए मिया। हाँ तो ये जो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसे क्यों ना हम खत्म कर दें, और ये जो एक दूसरे को घर से निकालने के लिए मुकाबला लगा हुआ है, क्यों ना इसे भी खत्म कर दिया जाए। अच्छा, बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है मिया, लेकिन क्या है कि अब हमने मन बना लिया है कि भले ही हमें इस घर से निकलकर अपनी हवेली को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा क्यों ना कहना पड़े मिया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या पता हम गरीब की ईद आपकी ईद से बेहतर हो जाए। लेकिन मिया ऐसा होगा नहीं, अब हम कहां आपको टक्कर दे पाएंगे मिया। और रही बात बच्चों की, तो वो तो आते जाते ही रहेंगे, और रही बात हमारी, तो हम तो आपको यहाँ वहां जहां तहां कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे लड़ाई झगड़े के लिए। नहीं नहीं माफी मतलब प्यार मोहब्बत जताने के लिए। बात तो सही है, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आलू और बैगन को कितना भी अलग कर लो, आलू और बैगन को कितना भी अलग कर लो, मिलेंगे एक ना एक दिन कढ़ाई में, क्या रखा है मेरे दोस्त झगड़ा और लड़ाई में। वाह मियां सुभान अल्लाह। मियां लेकिन ये किस शायर ने कहा है? था एक कलुआ हमारे मोहल्ले में सब्जी बेचने आता था। अच्छा, तभी उसने आलू और बैंगन को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप क्या कह रहे थे कि ईद को लेकर हमारे बीच में जो मुकाबला है उसे कैंसिल कर दें? हाँ, वही वही एग्जैक्टली। लेकिन मियाँ उस दिन तो आप बड़ा उछल कूद मचा रहे थे कि हम ऐसी ईद मनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे, तो अब क्या हुआ आपको, कहीं कोई और बात तो नहीं? कोई और बात क्या हो सकती? यही कि किसी जोहरी के पास आपने पैसे रखवाए हो और वो जोहरी आपके पैसे लेकर फरार हो गया। अच्छा, तो मतलब आपको पता था? हाँ मियाँ, हमें तो उसी दिन पता लग गया था जब आपके सारे पैसे लेकर संपतलाल, सन ऑफ चंपतलाल, फरार हो गया। तो आपने हमें बताया कि नहीं? ऐसे ही मजे ले रहे थे जो हमने जम कर लिए मियाँ। तो आप बताइए मियाँ कि हवेली से कौन रुखसत होगा, हम या आप?
अब मिश्रा फैमिली होगी हवेली के बाहर, मिर्जा को तो हम संभाल ही लेंगे।